नमस्कार, मेरा नाम राजशेखर के एस, मैं SNW Co में काम करता हूं, वर्क सुपरवाइजर। SNW Co मतलब शर्ट्स एंड विलियम कंपनी मल्टीनेशनल। गांव में ही पला बढ़ा, साल भर खेतों में काम करते रहो, वो भी कोई जिंदगी है। शहर की बात और है, यहां आराम है, शांति है, इसीलिए यहां आया हूं। पर अभी घर नहीं मिला, वही ढूंढ रहा हूं। सुना आपके आते में एक घर खाली है, उधर एक मकान। I'm sorry। कहाँ हो? SNW, वो जो बुलडोजर बनाते हैं ना, इस घर के चक्कर में चौथी बार आ रहा हूं यहां। चौथी बार? 84 चक्कर काटने पड़ते हैं। घर है क्या होता है? घर चार दीवारें, जहां शरीर को सुख मिले, आत्मा को चैन मिले, वो होता है घर। और ये सब इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। समझे है? आपसे नहीं, वो मल्टीनेशनल से। आइए। खरी नहीं है चांदी, बिल्कुल बोगस है। क्या दे दूं? ओफो, क्या गड़बड़ मच रही है आज, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये उल्टा पुल्टा, ये गड़बड़ ना हो तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी सर। क्या चाहिए तुम्हें? वही सर, वो घर। बता दिया ना पहले। प्लीज सर, मुझे घर की बहुत जरूरत है। कोई घर वर खाली नहीं है, अगर होता भी तो तुम्हें नहीं देता, समझे? आजकल किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन खरा कौन खोटा है। आइए, अगर मुझे तुम्हारे बारे में उसी दिन पता चल जाता तो मैं अब तक तुम्हें घर की चाबी दे ही चुका होता। जाओ जाओ, घर बसाओ, गृहस्थी जमाओ, दूधो नहाओ, पूतो फलो। घर बसाओ, गृहस्थी जमाओ, दूधो नहाओ, पूतो फलो। तुम्हें तो नहीं देने वाला था घर, फिर कैसे पटा लिया? अरे मौसी का कमाल है, जहाँ सीधी उंगली से काम ना चले वहाँ टेढ़ी उंगली से काम चलाना पड़ता है। मतलब? मतलब क्या, मौसी ने कुछ गोलमाल करके किसी का झूठा नाम लेके दिलवा दिया। मौसी ये सब कैसे कर लेती है? हमें क्या लेना। देखो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं उनके बारे में, अपन उनसे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है, हैं? राजी, ये क्या है? पलंग, जो हमसे पहले यहां रहते होंगे उनका बनाया हुआ अजूबा है। बनाने के बाद ही समझ में आया होगा इसका विराट स्वरूप, छोड़ के भाग गए। Thank you.
सामने वाले घर में एक बुढ़िया रहती है, जवानी में ही विधवा हो गई थी। अब जब किसी औरत मर्द को साथ में देखती है, आंखें बंटे जैसी खुल जाती हैं उसकी। छोड़ दो। अच्छा हाँ, देखिए हैं पहलवान जी, दिन भर कसरत के नाम पर धरती धकेला करते हैं, शाम को अपनी पतंगों के साथ आसमान पे उड़ते हैं। बस यही है हमारी दुनिया, मकान मालिक, बुढ़िया और पहलवान जी। और ये? ये शेड। यहाँ करते क्या? भगवान जाने। गीता, ये विराट पलंग हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, आओ इसे बाहर निकालते हैं। पलंग तो दरवाजे से भी डेढ़ गुना है, लगता है इसी कमरे में पैदा हुआ है। इस दिव्य भव्य पलंग पर हम ही ना जम जाएं? ना बाबा, जाने कैसे कैसे लोग लेते होंगे यहाँ, कितनी आहें तभी होंगी, मैं तो नहीं सोती इस पर। आजादी, कितना तड़पा हूं इस आजादी के लिए। गांव की चक चक, घर भर की चिक चिक, लगता था वहीं फंस के रह जाऊंगा जिंदगी भर। बचपन से मेरा भी एक सपना था, एक घर हो अपना, छोटा सा। छोटा हो, बिल्कुल अकेला, आंगन में हरे हरे पेड़ हों, नन्हे नन्हे पौधे, गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, रात रानी। दूर जाने कहां से आता हल्का सा संगीत। आंगन में एक झूला हो और
एक रंग बिरंगा फव्वारा। रातों में छत पर पड़े मुस्कुराते सितारों से सुख दुख बांटा करेंगे। एक बड़ा सा कंपाउंड हो और ऊंची सी दीवार, कोई गैर ये ना जान सके कि अंदर क्या हो रहा है। कैसे पागल सपने। क्या सोचा था तुमने और क्या पाया? कितना फर्क है दोनों में। अरे नहीं 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 राजी, ऐसी बात नहीं है। ये घर भी तो कितना अच्छा है। गांव की किलबिल नहीं, दरवाजे पर हकते मुकते बच्चे नहीं, आसपास गोबर का घूरा नहीं, बात बात पर नाक अड़ाने वाले पड़ोसी नहीं, सिर्फ हम और हम। देखो कितना शांत है यहाँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि यहां ऐसा कोई भी नहीं जो हर महीने पूछे, अरे इतने दिन हो गए इस शादी को, बहू क्या इस महीने भी। क्या गड़बड़ है राजन्ना? कोई नहीं जो खटिया के हिलने की आवाज पर खांसे। हाँ, चाहे कितना ही चुरमुराएं या या शोर मचाए। कोई दरवाजा तोड़ रहा है। नहीं नहीं लाइट बंद करो। कोई शेड का दरवाजा तोड़ रहा है। कौन? ओ शेड वाले, ठीक है। वो शेड वाले हैं, ताला नहीं खुल रहा शायद, ये दे देता हूं। ये लीजिए, मैं नया हूं इधर इस घर में, जंग लग गया है शायद, ये ले लीजिए, इससे खुल जाएगा। लो मुझे दो। तो पानी मांगने लाती। क्या बात हुई? तीन चार महीने से बेचारों के पास कोई काम नहीं था, इसलिए शेड नहीं खोला। अब आए हैं। ये लो। दरवाजे से इतनी रात में लगे हुए ये लोग, वहां करते क्या हैं? पता नहीं, पुराना सुराना ढेर सारा कचरा कबाड़ पड़ा है, करके आ रहे हैं, समझ में नहीं आया।
ये भी देना। कोई सोए कैसे इतनी धमाधम में? छोड़ो भी, दो चार दिन में चले जाएंगे, तब तक बर्दाश्त कर लेते हैं। गीता। अरे मौसी, तुम कब आए? कितनी प्यारी नींद सो रही थी। रात भर ठीक से सो नहीं पाई ना। राजन ना सोने नहीं देता होगा। मैं भी मुंह धोकर आती। मैं मंदिर जा रही थी, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। चलोगी? दरवाजे खिड़कियां बंद करके घर में कैसे रह लेते हो तुम लोग? मेरा तो दम घुटता है। ये आवाज? वहां एक शेड है, उसी का शोर है। क्या करते हैं वहां? पता नहीं। मालिक कौन है शेड का? मुझे नहीं मालूम। तो तुम लोग चुपचाप क्यों हो? वो तुम्हारे न काका लगते हैं न मामा, कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते? उनकी अपनी भी परेशानियां होंगी। यहां इतना दया धर्म दिखाओगे तो कुछ ही दिनों में फकीर बन जाओगे। अरे रे मौसी, ये क्या कर रही हो? साड़ी खराब हो जाएगी, चटाई बिछाती हूं ना। छोड़ो भी, यहां अपनी जान का ठिकाना नहीं, साड़ी का क्या रोना। बैठो। जब मैंने सुना कि तुम लोग गांव छोड़कर इधर आ रहे हो तो बड़ा अजीब सा लगा। क्यों? जिंदगी भर सपनों का पीछा करते करते थक गई हूं, शायद इसीलिए लगा हूं। मौसी, ये साड़ी कितने की होगी? होगी 700-800 की, पता नहीं। बहुत सुंदर है। राजन से कह दे ला देगा तेरे लिए। वैसे उसे तो तुम बिना साड़ी के ही ज्यादा चश्ती होगी। मौसी, मौसा कहाँ है? पता नहीं कहाँ जाकर मर गया वो फड़वा। मौसी, बुरा लगा। नहीं तो ये आवाज, कॉफी पिलाओगी? अभी ले। ये भूत कहां से उठा लाए तुम लोग? क्या बोली? ये बड़ा रसीला है राजन्ना, पलंग में भी आईने लगा रखे हैं।
मौसी, तुम अभी भी उसी सोसाइटी में काम कर रही हो क्या? छोड़ दी वो, कब की? अकेली औरत देखी नहीं कि हर कोई पीछे पड़ जाता है? वहां का सेक्रेटरी भी उसी में से एक। कमरा बुक करा लूं, होटल में चलेगी? कमीना, मैंने उसे फटकारा तो जाने क्या क्या चार्ज लगाकर मुझे ही सस्पेंड करवा दिया। इस शोर में तो पागल हो जाएंगे। लो, अगर मुझसे कह देते मैं यूं खाली करवा देती। चलो मंदिर चलते हैं। नहीं मौसी, कहीं वो आ गए तो? ओहो, एक तेरा ही पति है, बाकी सब कुमारियां हैं। चलो तैयार हो जाओ। नहीं मौसी, मैं नहीं जा सकती। मौसी, तुम अक्सर आती हो यहाँ? पहले नहीं आती थी पर आजकल। आइए आइए माँ जी, बोलिए माँ जी, क्या दूँ? कुमकुम, तेल, फूल? 1 रुपए का कुमकुम देना तो। अच्छा माँ जी, अब तो बस गठरी बांधकर सफर करना बचा है। जी मौसी, कैसी बातें कर रही हो? ये उम्र है क्या तुम्हारी अभी मरने की? लो माँ जी। मौत हमेशा बाहर से आनी जरूरी है, कभी अपने अंदर ही पैदा हो जाती है। आजकल न जाने क्यों बहुत डर लगता है, जब देखो तब कोई दरवाजे पर दस्तक देता है फिर देता ही चला जाता है, फिर दरवाजा ही। अजीब अजीब परछाइयां खिड़की से घूरा करती हैं, लगता है कहीं से कोई आकर झपट पड़ेगा। एक एक अजीब सा डर है। कौन घर में मेरा डर बांटने वाला पता? यहां आकर मन को शांति मिलती है इसलिए आती हूं। महसूस होने लगता है जैसे खाली हो चुकी हूं। मासी, क्या बेकार बड़बड़ करती रहती हो? बड़बड़ ही तो करती रहती हूँ। दुनिया को ठेंगे पर रखकर अपनी ही जिद पूरी करने में लगी थी, पर बचपन में जो संस्कार अंदर ठूस दिए गए हैं वो अभी तक बाकी हैं। उम्र बढ़ने पर तो और भी कचोटते हैं, डर लगता है इस जद्दोजहद में कहीं अपनी जिद ही ना हार बैठूं। उससे पहले मौत आ जाए वही अच्छा। तुमको ऐसी बातें करनी है तो जा रही हूं मैं। सारी आंटी, मौसी कुछ नहीं हुआ, कुमकुम का गिरना कोई अशुभ नहीं होता। कुमकुम की बात नहीं है, 1 रुपए में और आ जाएगा। उन बेचारे बच्चों की आइसक्रीम गिर गई, कितने चाव से लाए होंगे। मौसी,
तुम्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है। गीता, मुझे लगता है हमसे घर खाली कराने के लिए ये मकान मालिक की चाल है। ओहो, ये उल्टा सीधा सोचने की बजाय जाकर उनसे कह क्यों नहीं देते कि अब बंद कर दें काम। आपने आपको क्यों, क्या कहा? कह रहे हैं पिक्चर दिखाइए, नाइट शो, पैसा हम दे देंगे, जैसे पैसे इन्हीं के पास हैं। सुनो, एक बार मौसी से बात कर लेते। मौसी आई थी? मौसी से कोई मेलजोल मत रखो, इन लोगों ने तो सिर्फ नींद हराम की है, वो तो जिंदगी हराम कर देंगे। गीता, चलो बाहर चलें कहीं, एक चक्कर लगा के आते हैं। राजी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? कहीं चंपा खिली है शायद। उधर होगी शायद। ये तो नहीं है। ये भी नहीं। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। सचमुच खुशबू आ भी रही है या दिल को बहलाने के लिए मन मान बैठा है? राजी, गांव में कितने फूल खिले होंगे, रात रानी, चंपा, पारिजात, चमेली। कितना अच्छा है यहाँ। एकदम शांत, बिल्कुल गांव जैसा। हल्की ठंडी बयार, खामोशी। मुद्दत हो गई, भूल ही गई ये सब। तुम ठहरो इधर। ये ले, 50 है 50, रख ले। पर क्यों? और उसको पीछे बिठा दे। देखिए, सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं। चलो,
आओ चलो यहां से। अरे ओ क्या बात हो गई भाई, अरे क्यों? ये आप क्या कर रहे हैं? हम मियां बीवी हैं। अबे चल चल बड़ा आया बीवी वाला, साले बीवी है तो रात के 11 बजे यहाँ क्या कर रहा है पार्क में? अबे 50 और ले लीजो ऊपर से, पूरे 100। हाँ बोलता हूँ तेरे को, रुक जा, अरे बात तो सुन ले ना। अरे 150 ले लीजो पूरे। हाथ दो, कितना चाहिए भाई? इतना दो। हो बहुत ज्यादा हुआ? नहीं नहीं क्यों नहीं होगा। अरे आज फिर ऑफिस को लेट हुए क्या? फोन करना है, जाओ कर लो। देखो भाई मैं तुम्हें इतना ही दूंगा। अच्छा ठीक है इतना दो, कुछ चुरा के देना। हेलो SNW, हेलो हेलो, कहा नहीं था परेशान हो जाओगे? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, न चैन से सो सकते हो न समय पर फैक्ट्री को जा सकते हो। मगर तुम ये सब क्यों सहते हो? वो क्या तुम्हारे रिश्तेदार है? छे वो पराए लोग हैं। पराए तो सभी हैं यहाँ। आता आपका है, आप ही कुछ कर सकते हो। हाँ हाँ कर सकता था और मैं चाहता भी था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ कानून से बंधे हैं। जानते हो मैं भी इस शेड के लोगों को हटाकर इस हाथे को साफ सुथरा रखने का एक सपना देख रहा था। वो मृत हो गया है, डेड। उधर सामने जाओ, वहां पब्लिक से कर लो। ये शेड मेरा ही नहीं तुम्हारा सपना भी बर्बाद करेगा, इसीलिए तुम्हें कुछ न कुछ करना चाहिए। तुम चाहो तो कचेरी तक घसीट सकते हो उन ससुरों को।
क्या बात है, क्या हुआ? अंग्रेजी है, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। पटी ये कॉरपोरेशन में जाएगा जिससे वो शेड हटवा देंगे, आप बस नाम लिख दीजिए यहाँ। मैं नहीं लिखती नाम वाम, एक बार लिखा था, मैं खूब फंस चुकी हूँ और किसी को भी फंसाना नहीं चाहती हूँ। फंसे हुए तो हम हैं पार्टी, वो नहीं, इतनी सी बात है बस। बच्चे हो, जरा जरा में उखड़ जाते हो, धीरज नहीं है जरा। सभी लोग तुम्हारे कहे अनुसार कैसे चल सकती हैं? गीता में कृष्ण ने कहा है ना, भुंजते तेत्व घाम पापा ए विचिन्त्यात्म कारणम। ठीक कह रहे हो। तो क्या आप इस पे साइन करेंगे? उससे क्या होगा, हटो हटो। तो क्या आपको उस शोर से कोई परेशानी नहीं है? है, बिल्कुल है। तो भी आप कंप्लेन नहीं करना चाहते? चाहता तो हूं, लेकिन उससे क्या होगा। सुनो, एक बात सुनते जाओ, जिसकी मोटी चाम उसने खाए आम। खुश रहना है तो मस्त रहो। मेरी एक बात और समझ लो, शयन की नींद सोना चाहते हो तो मेरी तरह दिन भर व्यायाम करो। शरीर भी एक घर के समान है, इसकी नींवें मजबूत रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। We don't issue license to anyone without NOC. NOC, sir? No objection from the other residents of the building. आपने तभी object क्यों नहीं किया था? Why did you sign then? पर सर मैंने sign नहीं किया, मैं तो अभी हाल ही में वहां shift हुआ हूं। जो लोग वहां पहले से रह रहे हैं उन्होंने sign किया होगा। Oh, then you knew it. जब आपको पता था कि वहां shed है तो आपको वहां मकान लेना ही नहीं चाहिए था। इट इज योर मिस्टेक, वी कांट डू एनीथिंग नाउ। फिर किसके पास जाएं सर, ये तो कोई बात नहीं हुई। सर अगर गली में गुंडा पीट दे तो पुलिस वाला ये कहे कि तुम गली में गए क्यों, वहां तो। बहस मत कीजिए, मन का चैन चाहिए तो शहर से बाहर जाइए, गांव में जाइए। हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। यू मे गो नाउ।
मैं बोल रही हूँ, कोई आदमी आया है कॉर्पोरेशन से। हाँ, तो आखिर बुला ही लाए कॉर्पोरेशन वालों को हाथे में, और नहीं तो क्या। छोड़ो, कुछ नहीं होने का। जीत मनाने के लिए लाया था ये सब। शेड वालों ने घूस दी होगी कॉर्पोरेशन वालों को, मकान मालिक से पैसे मांगने गए थे। क्या, और उसने दे भी दिए? हाँ। अजीब इंसान है साला, चोर से कहता है चोरी करो, कोतवाल से कहता है होशियार रहो। सुनो, तुम भी उन्हें कुछ खिला क्यों नहीं देते? अरे उन्हें खिलाने के लिए तुम्हारा बाप देगा पैसे। तुम क्या समझती हो 10-20 रुपए में मान जाएंगे? अरे सैकड़ों हजारों खिलाने पड़ते हैं सालों को। तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं क्या कुछ बोल भी नहीं सकती? बोल भी नहीं सकती? अरे और करते क्या हो तुम लोग? पहले दुनियादारी सीख लो फिर बोला करो। क्या ये घर है कि कूड़ा खाना? हजार बार कहा है कि बाल झड़ते हैं तो घर में गंगी मत क्या करो, दिन भर घर में पड़ी रहती हो, कुछ काम काज क्यों नहीं करती? अरे मैं कोई हाथ पे हाथ रख के तो नहीं पड़ी रहती, खाना पकाना खिलाना ये कम काम है क्या? हाँ, खाना वाना खिलाना जैसे बहुत बड़ा काम है। देखो कैसे बात कर रही है। बस करो, बहुत हुआ, जैसे फैक्ट्री का काम ही सब कुछ है। क्या कहा? सब मर्द एक जैसे होते हैं, बाहर का गुस्सा घर आके उतारते।
पीता खाना लाया लो खा लो। अरे खा भी लो, इतनी देर तक गुस्सा रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लो लो अरे खा भी लो। ओ, ओ, अरे मेरी छोटी रूठी हुई गुड़िया लो। अरे कब तक रूठी रहोगी? अच्छा ठीक है, तुम छोटी सी बच्ची बन जाओ और मैं तुम्हारी मामा बन जाता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। लो खा। अच्छा देखते हैं कब तक नहीं हंसोगी। लड्डू पेड़े दूध मलाई बिल्ली मानो खाने आई। कभी खा गई। लो। सच कितना परेशान कर रखा है इन लोगों ने। राजी एक बार चल के मौसी से बात क्यों नहीं करते? नहीं, मौसी के पास नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आ आ आ मौसी का घर इतना बड़ा है। अब यहाँ खड़े खड़े इधर तो क्या देख रही हो? चलो अंदर। मौसी के घर जो आते जाते हैं उनको अच्छी नजर से नहीं देखते मोहल्ले के लोग। चलो अंदर। अरे छोड़ो ना उसको। ओहो आखिर देर सवेर आ ही गए। आओ ना अंदर आओ। नहीं मौसी, आने की सोच रहे थे वक्त नहीं मिला और इस बीच में कुछ दिनों के लिए हम गांव चले गए थे। अच्छा गांव गए थे? हाँ, और वहां से कुछ आम भी लाए हैं, आपको तो बहुत पसंद है ना, ये आपके लिए। अच्छा दिखाओ तो। मुझे को बनाने चले हो? मैं जानती हूँ कहाँ से और क्यों लाए हो। तुम लोग बैठो, मैं अभी आई। पता नहीं क्या समझी होंगी तुम तो बस। ऊपर तो कोई आदमी है। इसीलिए मैं यहां नहीं आता हूं, पता नहीं कौन कौन बैठा रहता है यहां। अब क्या करें? वो ही है, वो पुलिस इंस्पेक्टर। इसे तो आप जानते हैं राजन्ना। हेलो। और ये गीता। नमस्ते। बैठो बैठो बैठो। हाँ, ये आपकी बहुत तारीफ करती थी लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी आज। राजन्ना कुछ आम लाया है अपने गांव से। अच्छा। मैंने देखते ही पहचान लिया। गांव के आमों की बात ही कुछ और है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनकी एक कंप्लेंट है। मैंने बताया था ना वो शेड वाले रात भर आवाज करते रहते हैं, बिल्कुल सोने नहीं देते। तो क्या हुआ? जवान आदमी है, साथ में प्यारी बीवी है, अगर रात में सो नहीं पाते तो और भी अच्छी बात है। जी, मजाक छोड़िए। इनकी मदद कैसे करेंगे बताइए? हम कुछ नहीं कर सकते। केस करेंगे तो फाइन देकर बच जाएंगे वो। चार दिन के बाद फिर शुरू कर देंगे तो क्या फायदा, बोलो। लेकिन सर वो लोग हर रोज तिल तिल कर मार रहे हैं हमें और आप कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन परेशान होके हम चार हाथ मार देंगे सालों के, आप क्रिमिनल केस ठोक देंगे? ऑफ कोर्स। इतना दिमाग खराब होता है, जी चाहता है सुसाइड कर लूं। वो भी नहीं करने देंगे हम आपको, तब भी क्रिमिनल केस ठोक देंगे।
आपके हस्बैंड बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग मैन। एक मिनट, मैं अभी आया। देखा कैसे घूर रहा था मुझे। घटिया लोग, तुम्हें साथ लेके नहीं आना चाहिए था मुझे। देखो, उन्हें बुलाकर वॉर्न कर सकता हूं। दिन में चाहे कुछ भी करो, लेकिन शाम को 5 बजे सब कुछ बंद होना चाहिए। आई थिंक दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब तो खुश है ना आप? जी। बस इतना हो जाए तो काफी है सर। थैंक यू। ओह माय प्लेजर। बैठो बैठो। पर ये तो कोई बात नहीं हुई। राजन्ना की सारी परेशानी अब गीता के सर पर। बेचारी दिन भर घर में रहती है, उसी को झेलना पड़ेगा ये सब। नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना? हाँ ठीक है। ये अच्छा नहीं किया, पुलिस को बुला लाए, घर की बात को बाजार तक पहुंचा दिया। आज पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले गई सड़क पर, कल किसी को क्या मुंह दिखाएंगे बेचारे। ये बहुत बुरा हुआ। गीता, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, शेड बंद करवा के क्यों उन लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हो? क्यों मेरी उम्मीदों का नाश करने पे तुले हो?
क्या कर रहे हो? सुनने दो, खामोशी को सुन रहा हूं। खामोशी? खामोशी में कितना मजा है ये मुझे अभी पता चल रहा है। सुनो, अकेले मन नहीं लगता। अगर बच्चा होता तो बस इसी की कसर रह गई है। अभी तो कुछ दिन और सुकून से रह लो। पता नहीं क्यों बड़ा बोरिंग लग रहा है। थोड़ी थोड़ी आवाज होती रहे तो शायद अच्छा लगे। इसे तो कानों में झुनझुनी होने लगती है। एक बार एक पहलवान जी थे, हैं? हमारे जो ये बॉडी बिल्डर है ना, इनसे दुगने, इतने बड़े। तो एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बिला वजह रूठ गई, जैसे तुम अभी रूठी हुई हो। तो पहलवान जी ने सोचा कि इसको मनाने के लिए मैं एक प्रेजेंट लेकर आता हूं। तो पहलवान जी चलकर गए और एक लेडीज फैंसी स्टोर में, वो क्या देखते हैं कि बैंगल्स और चूड़ियां और पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, साड़ियां, सैंडल, अमका डमका, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। इसे देखकर पहलवान जी एकदम चकरा गए। समझ में नहीं आया कि मैं क्या खरीदूं। इतने में एक सेल्स गर्ल चलती हुई आई, टिक 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 टिक, बोली क्या चाहिए सर? तो भौचक्के से पहलवान जी के मुंह से निकल गया बैंगल। तो सेल्स गर्ल ने कहा, अच्छा साइज क्या है जी? पहलवान जी ने कहा, पता नहीं। अच्छा किसके लिए ले रहे हैं सर? तो वो बोले मेरी एक वो। तो सेल्स गर्ल बोली, अच्छा अच्छा आपने उसका हाथ तो पकड़ा होगा। तो पहलवान जी ने कहा हाँ। तो सेल्स गर्ल ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, अच्छा मेरा हाथ पकड़ के देखिए, ये साइज ठीक है? तो पहलवान जी ने हाथ पकड़ा और बोले हाँ हाँ। तो सेल्स गर्ल ने चूड़ियां सब बांध के दे दी। देखते हैं पहलवान जी फिर भी खड़े हुए। बोली अब क्या चाहिए सर? तो पहलवान जी कहते हैं कि वैसे तो उसे एक ब्रेजियर भी चाहिए था, पर मुझे उसका भी साइज नहीं मालूम। आवाज फिर शुरू हो गई। दरवाजे बंद करके काम कर रहे हैं। आवाज जानबूझ के भड़का रहे हैं मुझे। ये देखो रोंगटे खड़े हो गए मेरे।
इन सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मार डालेंगे हमें, बहुत खतरनाक लोग हैं। गीता तुम कल ही इंस्पेक्टर के पास जाओ। इंस्पेक्टर के पास गई थी? नहीं, तुम्हीं ने तो मना किया था। अब कह रहा हूं जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, वो अजीब नजरों से देखता है मुझे। सिर्फ देखता ही तो है, कोई जबरदस्ती तो नहीं करता। कल ही जाओ। क्यों दुखी बैठी हो? अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है सिर पे? हमने जो पाया है उससे कहीं ज्यादा खोया है इन लोगों ने। शुक्र करो कि बला टली। और इंस्पेक्टर ये जगह अपने भांजे के लिए दिलवा रहा है, ये बात भी सच है। मेरे साथ। एक्सक्यूज मी राजन्ना, तुम यहाँ हो? ये मेरा भांजा, इससे मिलो। हेलो, द अदर्स आर ऑल इनसाइड, व्हाई डिडंट यू प्लीज कम एंड जॉइन देम? नहीं, मैं बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, चलो ना। यस यू मस्ट। Okay. Come on. Do it. Come on.
come on, come on. Okay, oh, yeah. The red one and the blue one. Sugar. Okay, okay. Can we go sugar? No, 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 no. Come on. Okay, press it again. Press it, press it. कहो कैसे हो? अरे तुम अकेले आए हो क्या हैं? अरे आप बाहर आ गए? हाँ कमाल हो गया भाई, चमत्कार। तुमने तो इस कचरे मोहल्ले की किस्मत ही बदल दी। देखो ना कैसा लग रहा है, बिल्कुल हांगकांग न्यूयॉर्क जैसा। हल रवि तुल रवि जुई सुई कुछ एक पार्टी है, साथ चलने को कह रही थी मौसी। तुम तो जाओगी? हो सका तो। मैं चलता हूं, फैक्ट्री को देर हो रही है। तो गीता को साथ ले जाती हूं? हाँ, अगर वो जाना चाहती है तो। तो तुम? नहीं मौसी, मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। मौसी तुम जाओ ना। नाराज हो गई? उसका भी क्या दोष, जब मेरा अपना ही साया मुझे सच्चा नहीं मानता। मेरी वजह से तुम दोनों में अनबन हुई, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है। वो कमीना ठीक से रहता मेरे साथ तो तुम्हारी उम्र की बेटी होती मेरी। मासी मेरा अपना तो कोई नहीं इस दुनिया में, न इधर की रही हूं न उधर की। चलो मौसी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। सच? <स्थाथ
मौसी, मौसी सुनिए, मौसी कहाँ गई? मौसी तुम ऐसे क्यों चली आई? चलो, सब लोग पूछ रहे थे क्यों गई, कहाँ गई, दुनिया भर की बातें करे सब लोग, चलो। दूसरों की छोड़ो, सब जानकर भी अपने ही घर के लोग ऐसी बातें करते हैं। सोचा था कम से कम तुम लोग तो दूसरों से अलग होगे। पता नहीं यहाँ बैठ सकते हैं कि नहीं। जिसके हाथ उन्होंने थमा दिया उसी को पति मानकर यहां चली आई। चार ही दिनों में उसे लगा ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा वो, और एक रात गायब हो गया। ऐसे वक्त मैं क्या करती बता? तब कोई नहीं आया था मेरा हाथ थामने, सारे के सारे नसीहत देने वाले। वो चाहते थे मैं टेसुए बहाकर उनके चरणों में गिर जाऊं ताकि उन्हें भी बेचारी कहने का मौका मिले। बस बेचारी कहा और जिम्मेदारी खत्म। तुम तो बिना वजह सभी में बुराई ढूंढती हो। मामा तो तुम्हें घर दिलवा रहे थे, सुना तुम ही ने। कौन? बड़े भैया? वही आखिरी रास्ता था बेचारी लड़की को बांधे रखने का। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं निकल आई। उस कदम का उठना था कि मैं फिसलती चली गई। फिसलती अनजाने में जबान भी मर्दों की बोलने लगी। फिसलती गई नहीं, वो फिसलना नहीं था। अगर तुम वहां रहती तो तुम्हारा अपना एक घर होता। घर भी कभी अपना होता है? हमेशा उन्हीं का होता है। बाप का घर, भाई का घर या फिर ससुर का घर। तुम्हारा भी अपना घर कहाँ है? तुम रहती हो केस राजशेखर के घर में। देखो मौसी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी अपनी कोई परेशानी है इसलिए तुम भले लोगों को भी ताने मार रही हो। मैं ताने कहाँ मार रही हूँ, मुझे तो इस बात की तसल्ली है कि कम से कम मैं अपने घर में रहती हूँ। कितने लोग हैं ऐसे? Hello, Mr. Rajshekhar, here, your keys. Thank you. Your wife has gone out with aunt, she might be late. Achha. Why didn't you come and play some games? Nahi, rehne dijiye.
You got him there. Good. Enjoying yourself? Why don't you try this game? You might win something. Arre, nahi, nahi. Your wife's going to be late anyhow. Tumhe kaise malum? But of course, naturally. She's gone out with Auntie. Hey, don't keep banging that one. Mr. Rajshekar? चींटियां तेरा हल्दी लेके आओ The problem with you is कि तुम्हें शहर का सुख और गांव का चैन दोनों एक साथ चाहिए है ना? Now tell me, what do you want? सर मुझे छुट्टी चाहिए थी। तुम इतनी छुट्टियां ले चुके हो कि तुम्हारा तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत परेशानी में पड़ जाओगे।
जल्द से जल्द ही तुम घर के बारे में कुछ तय कर लो। जरा एक फोन कर लूं। हेलो, मैं राजशेखर। जरा गीता को बुला देंगे क्या? घर में नहीं है? खाओगे? राजी, क्या हो गया है? क्या हो गया? तुम क्यों सब पे शक करने लगे हो? पहले मौसी, फिर इंस्पेक्टर, अब मैं। इस तरह सब पर से यकीन उठता गया तो जिएंगे कैसे? ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हें मालूम है? नाटक करने की क्या जरूरत? हाँ, मैंने नाटक किया, जरूर किया, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, मौसी के साथ। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, अपने सगे रिश्तेदारों से भी ज्यादा। जो प्यार और स्नेह उन्हें अभी तक नहीं मिला था मुझसे चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकी। नाटक करती रही और इस तरह अपने आप को भी धोखे में रखा। लेकिन मैं कब तक अपने आप को धोखे में रखती, बोलो? एक दिन इस सबसे तंग आकर मैं सचमुच उन्हें समझने की कोशिश करने लगी, तब उन्हें ही नहीं धीरे धीरे सबको समझने लगी, तुम्हें, खुद को, इंस्पेक्टर और शेड वालों को। देखो, बातें बनाने की कोशिश मत करो,
मैं जानता हूं कि मेरे मना करने के बावजूद तुम मौसी के यहां क्यों जाती हो, मुझे नाकारा साबित करने के लिए, ये जताने के लिए कि मैं कुछ नहीं हूं। हां, तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा, क्योंकि रिश्ता बनाना और उसे निभाना दोनों पर से तुम्हारा विश्वास छूट गया। घर चाहिए था तो मौसी मौसी, शेड खाली करवाना था तो इंस्पेक्टर, यहां तक कि तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा। जब तुम रात को शेड की आवाज से परेशान होने लगे तो मुझे इंस्पेक्टर के यहां भेजा, जबकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मुझे वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मौसी का इस्तेमाल करने वालों से तुम किस तरह अलग हो, बोलो। झूला हो, रंग बिरंगा फवारा, और दूर से आता हल्का हल्का संगीत, रातों में छत पर पड़े मुस्कुराते सितारों से सुख दुख बांटा करेंगे। मुझे लगता है मैं अंदर से खोखला होता जा रहा हूं। मौसी भी ऐसे ही कहा करती थी। नहीं राजी, हम ऐसे नहीं होने देंगे। मुझे शेड वालों का पता चाहिए, मैं फिर से घर बदलना चाहता हूं। वो हमेशा कहते रहते थे कि तुम हमें यहां शांति से रहने दो, हम तुम्हें एक अच्छा घर दिलवा देंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुमने कहा शेड हटवा दो, मैंने हटवा दिया, अब फिर शुरू कर दिया तुमने। वो शेड वाले तो चले गए, लेकिन अभी इंस्पेक्टर के रिश्तेदार आ गए। मैं और वो इंस्पेक्टर साथ साथ नहीं रह सकते। आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें शेड वालों को पता दे देता हूं। सुनना भाई, ये सुल्तान पाल्या किधर है? ओ झोपड़पट्टी। झोपड़पट्टी? हाँ वही, वो सामने एक। अरे रे 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 रे। मकान मालिक तो कह रहा था कि बड़ा घर। Come on!
नहीं। ये आदमी को कितना बार बोलना चाहिए, चलो विजय बाबू।